नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित अपूर्व बुलेटिन आरंभ करिबा मुख्य खबर सहित श्रीमंदिर जगा दर्शन नहीं आसीपे नुआ गाइडलाइन जगा दर्शन उपरे लागिपे कटकणा श्रीमंदिर में किसी कर्मचारी और सेवायत पॉजिटिव चिन्हट संध्या 6:30 रे बाउ किसी समय पर गुरुत्वपूर्ण बैठक आजिठ नाइट कर्फ्यू राति 9 पूर्व दुकान बजार बंद नियम मानवा को परामर्श दे पुलिस कमिशनर सौमेन्द्र प्रियदर्शी न मानिले नियाजीव दृढ़ कार्यानुष्ठान कोलकाता बहु प्रतीक्षित चित्तरंजन जातीय कर्कट प्रतिष्ठान उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले देश में स्वास्थ्य सेवा क्षमता वृद्धि करिवार आउ एक नुआ प्रयास टीकारे भारत सफलता कही लोकों को देले सचेतनतार मंत्र पंजाब रे प्रधानमंत्री सुरक्षा रे त्रुटि प्रसंग सोमवार सुप्रीमकोर्ट रे दायर जनस्वार्थ मामलार परवर्ती सुनानी सहयोग करने को पंजाब पुलिस और एसपी जी को निर्देश राज्य में 3000 मुहा दैनिक संक्रमण 24 घंटे 2703 पॉजिटिव सर्वाधिक 926 संक्रमितों सह रेड जोन को फेरला खोर्धा सेपटे स्वास्थ्य मंत्री नव दास को कोरोना ओडिशा रे ओमिक्रॉन मुकाबला आजिठ भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे आरंभ होला आरटीपीसीआर टेस्ट जीए जेउठु आसिले भी टेस्ट करिवे पॉजिटिव आसिले हेबे क्वारंटाइन फोन माध्यम रे जीव सूचना देखवा संपूर्ण खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार कोलकाता रा चित्तरंजन जातीय कर्कट प्रतिष्ठान रा उद्घाटन करिसेंते स्वास्थ्य सेवा को सरकार अधिक गुरुत्व देउछंती देश में स्वास्थ्य सेवा क्षमता वृद्धि करिवार एहा आउ एक प्रयास बोली कहिसेंते प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवार संप्रसारण और नवीकरण पाई ए द्वितीय कैंपस निर्माण करा जाइछि देशरे 150 कोटी टीका देवार इतिहास सृष्टि होइछि जहां पूरा देश पाई एक गौरव विषय बोली अवसर में प्रधानमंत्री कहिसेंते से आमदे कहिसेंते जे देश में चलिथिबा रेकर्ड टीकाकरण को एक ऐतिहासिक सफलता मात्र 5 दिन मध्य रेकर्ड 1,50,00,000 पिला टीका दि जाए 15-18 वर्ष बयस पाई टीकाकरण सहित देश वर्ष आरंभ कर बर्षर प्रथम मसर प्रथम सप्ताह भारत 150 कोटी 1.5 बिलियन टीका डोज्र ऐतिहासिक माइल खुंट हासिल करत 90% रु अधिक वयस्क लोक गोटे डोज टीका ग्रहण कर सारी सफलता समग्र देशर बोली प्रधानमंत्री कहते इससे विशेष रूप से उन गरीब उन मध्यम वर्ग परिवारों को बहुत राहत मिलेगी जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा है। कैंसर से जुड़ा इलाज, इससे जुड़ी सर्जरी और थेरेपी अब कोलकाता के इस आधुनिक अस्पताल की वजह से भी और सुलभ हो जाएगी। साथियों, आज ही देश ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी, वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज वो भी एक साल से कम समय में, ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के
सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। भारत के लिए ये प्रतीक है आत्मविश्वास का, ये प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, ये प्रतीक है आत्मगौरव का। मैं आज इस अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का यह सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य में 2000 पार दैनिक संक्रमण, 24 घंटे ओडिशा रे 2703 पॉजिटिव, खोर्धा रे सर्वाधिक 926 संक्रमित चिन्हट होती, सेपरी सुंदरगढ़ में 454, कटक रे 191 केस रहिछे, झारसुगुड़ा रे 106, जाजपुर रे 78, बरगढ़ रे 75, बालेश्वर रे 73 और बलांगीर रे 54 आक्रांत रहिछन्ते। आज संख्या को मिसाई राज्य में मोट एक्टिव केस 8237 रे पहुंची, सेपटे 3000 अधिक आक्टिव केस सहित रेड जोन को फेरी खोर्धा जिला। आज भुवनेश्वर एयरपोर्ट आरंभ होइछि आरटीपीसीआर टेस्ट, जो माने राज्य बाहर आसुछन्ति सेमानक पई ए टेस्टिंग बाध्यतामूलक। एथिपाई एयरपोर्ट रे 4 काउंटर करा जाइछि, जो माने पॉजिटिव आसिबे सेमानक संगरोध रे रखा जिवो, पॉजिटिव व्यक्ति को फोन माध्यम रे अधिकारी ए विषय रे अवगत कराइबे। राज्य में 3453 टीकाकरण केन्द्र में चली टीकाकरण, से 1191 केन्द्र में 15-18 वर्ष पर टीका दिया जाउछे। एही वर्गर 342,332 जन को दिया जाइछे टीका, या भीतर प्रथम डोज 91% लोकों को दिया जाइछे, सेथिमध्यरु द्वितीय डोज नेबा पई समय होइथिबा लोकों मध्यरु 90% लोक नै सारिछन्ती। आसंता 10 तारीख में आरंभ हेबो प्रिकॉशन डोज, सम्मुख योद्धा विभिन्न रोग में आक्रांत व्यक्ति को दिया प्रिकॉशन डोज, जिए जो डोज नहीं थे से ही टीका ने। चारिआड़े कोरोना बढ़ुची, समस्ते कोविड नियम मानि चलंतु बोली परामर्श देते परिवार कल्याण निर्देशक डाक्टर विजय पाणिग्रही। आम राज्य में कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम जारी रही। गतकाली 1191 टीकाकरण केन्द्र में 15-18 वर्ष पिला 77,542 जन पिला टीका दिया। सो गत कालीर टीका को मिसाई 15-18 वर्ष पिला मानंकु टोटल 342,232 जन टीका पिला टीका दिया सरलानी। एवं आमर टोटल ओडिशा रे 5,16,00,000 डोज टीका दिया सरलानी, जो थरी कि फर्स्ट डोज टीका दिया 91% लोकंकु, एवं उभय डोज टीका नेचन 66%। आज भी टीकाकरण कार्यक्रम आमर जारी रही। आमर हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर एवं 60 इयर्स एबव विथ कोमॉर्बिड, ए जो वर्गर लोकों को टीकाकरण करा जीवो, सेमानकर प्रिकॉशन डोज दिया जीवो, जहाँ कि आसंता 10 तारीख रु आरंभ हेबो। एवं एथिरे जो माने उभय डोज नहीं चंती, माने सेकेंड डोज भी नहीं सारिछंती, सेमानकु दिया जीवो। प्रधानमंत्री सुरक्षा त्रुटि आरंभ हो तनाघना, प्रधानमंत्री गस्तर समस्त रेकर्ड सुरक्षित रखा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश,
एहा सहित घटनार तदंत पई केन्द्र गृह मंत्रालय टीम पंजाबर फिरोजपुर निकट फ्लाईओवर रे पहुंची घटनास्थल रे खोलताड़ करिछे। फ्लाईओवर रे पीएम मोदी का सुरक्षा उल्लंघन घटनार रिक्रिएशन करा जाइछे। सुरक्षा त्रुटिर तनागना गस्त रेकर्ड सुरक्षित रखाक सुप्रीम कोर्ट को निर्देश तदंत पंजाब फिरोजपुर फ्लाईओवर में पहुंचला केन्द्र गृह मंत्रालय टीम। प्रधानमंत्री सुरक्षा त्रुटि देश सारा कांग्रेस को कड़ा समालोचना और प्रतिवाद। सीएम अपनी इनकॉम्पिटेंस बचाने के लिए जिस तरह का इस वर्ड का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है। मुझे नहीं लगता हम लोगों को राजनीति में इस कदर गिर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा उल्लंघन घटनार तदंत पाई केंद्र गृह मंत्रालय टीम पंजाब फिरोजपुर निकट फ्लाईओवर में पहुंची घटनास्थल में खोलताड़ कर फ्लाईओवर में पीएम मोदी सुरक्षा उल्लंघन घटनार रिक्रिएशन कर गृह मंत्रालय टीम प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा को नहीं विस्तृत भाव में घटनार तदंत कर मामलार प्रत्येक दिग को अनुसंधान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गस्त बेले सुरक्षार त्रुटि को गुरुत्वर सहित नहीं सुप्रीम कोर्ट क्यों भली परिस्थिति रे एत बड़ त्रुटि है यह पचरे कौन रही कारण से सबको नहीं शुणाणी कर अदालत। प्रधानमंत्री पांच तारीख गस्तर समस्त रेकर्ड को सुरक्षित रखा सहित पूरा रेकर्ड को सील करने सहयोग और आवश्यक सहायता जगाई देवाई पंजाब पुलिस कर्तृपक्ष एसपीजी और अन्यान्य केंद्रीय और राज्य एजेंसी मानकु सुप्रीम कोर्ट निर्देश देछंती। तेबे प्रधानमंत्री सुरक्षा एपरी चरम अवहेला पंजाब राज्य कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस मुख्य को बीजेपी तरफ कड़ा समालोचना करा सहित विभिन्न राज्य में प्रतिवाद करा जाएगी। चन्नी साहब का ये बयान कि सोनिया जी ने उनको आदेश दिया इसीलिए अब वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब चन्नी साहब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलती है वो सरकार। तो अगर रिमोट कंट्रोल से चलने वाली वो सरकार अब जाकर कोई जांच करना चाह रही है तो क्या किसी के रिमोट कंट्रोल्ड आदेश के अनुसार ही कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई? इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से उन्हें देना चाहिए। तो पंजाब की आम जनता जो अभी भय में है और ये सोच रही है कि जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के वो अगर देश के प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं रख सकते तो हमारा ध्यान क्या रखेगी। और ये सारा का सारा सुनियोजित था, एक षड्यंत्र है प्रधानमंत्री जी के। जो हम कह सकते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस जो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है पूरे देश में पूरे विश्व में, वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं और किसी तरह से प्रधानमंत्री की जान को वो आरएसएस करने का काम जो किया है वो कांग्रेस ने किया था। जनवरी 5 तारीख दिन प्रधानमंत्री का पंजाब गस्त समय फिरोजपुर निकट फ्लाईओवर ऊपर प्रधानमंत्री का सुरक्षा रे त्रुटि घटीतिबार सूचना मिलबा परे तांको फिरोजपुर कार्यक्रम को बातिल करा दैतिला। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आपण देखछन्ते पॉजिटिव भारत समय छै एक ब्रेक रो। ब्रेकफास्ट स्वागत। राजधानी सारा छाई जाइछि बेआईन बैनर और होर्डिंग, केउंठी विधायकंकर ताउ केउंठी पूर्वतन कॉर्पोरेटरंकर आउ केउंठी आस्थाई प्रार्थीकर गोटिए कि दुइटी नुहे बरम राजधानी रा प्रत्येक छकरे देखिबा मिलुछि एमिति बैनर। प्रशासन आखि सामनारे एसबु लागिथिले भी सेथिप्रति काहार निघा नाही आ बीएमसी कथा न कहिबा भल। बीएमसी कार्यालय 200-300 मीटर दूर रे माळ माळ बैनर टंगा जाइथिले मध्य सेथिप्रति आदु ध्यान नाही, समस्ते सबु जानिशुणी चुप बसिछन्ते। राजधानी सारा छाई जाइछि बेआईन बैनर ओ होर्डिंग। बिजेडी पई बीएमसी रो नियम कण अलगा कि कुआरे गले बीएमसी रो अधिकारी। ए हुछि राजधानी भुवनेश्वर विभिन्न स्थानर दृश्य, केउठी विधायकंकर त आउ केउठी पूर्वतन कॉर्पोरेटरंकर आउ केउठी आशायी प्रार्थीकर गोटिए कि दुइटी नुहे बरम राजधानी प्रति छकरे देखिबा को मिलुछि एमिति बैनर। प्रशासन आखि सामनारे एसबु लागिथिले सेथिप्रति काहार भी निघा नाही, बीएमसी कथा न कहिबा भल। बीएमसी कार्यालय 200-300 मीटर दूर रे माळमाळ बैनर टंगा जाइथिले मध्य सेथिप्रति आदु ध्यान नाही,
ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣି ଯେମିତି ଚୁପ୍ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମରାଯାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ସବୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏ କଥାକୁ ମାରନ୍ତି ଏବଂ BMC ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଚାର୍ଜ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ନେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସର୍ବଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସବୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ BMC ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କିଛି ଜାଗା ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବରପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ସବୁ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ନ ମାରିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟା ସମାଜରେ ଭଲ ବାତାବରଣ ଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଆଗକୁ ଏଭଳିଆ କଥା କୌଣସି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ନ ହଉ ବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ନ ହଉ। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିଏ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଠି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲାଗିଛି, ବ୍ୟାନର୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ସୁବି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର୍ ବ୍ୟାନର୍ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ପୋଷ୍ଟର୍ ବ୍ୟାନର୍ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ମାରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ 5 ପଇସା ପାଇବାର ନାହିଁ, BMC ପାଇବାର ନାହିଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଉଛି। BMCରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଅଛି, BMCର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟେଇବା ଦରକାର। ରାଜମହଲ ଛକରେ ବ୍ୟାନର ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଲାଗିଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ନେତା ତ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର ଶୋଭା ପାଉଛି। ପଥଚାରୀ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ କ'ଣ, ବରଂ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଏକାଧିକ ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି। ବିଜେଡ଼ିର କୌଣସି ପଦବୀରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଏକାଧିକ ୱାର୍ଡରେ ନିଜର ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ପତିଆରା ଜାହିର କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବା କେତେଜଣ ନେତା ବ୍ୟାନର ଓ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲଗାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ BMC ଡେପୁଟି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ହୋର୍ଡ଼ିଂଟା କେଉଁଟା ବେଆଇନ ହେଇଛି, କେଉଁଟା ଆଇନ ସମ୍ମତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବେଆଇନ କଲା କ୍ଷଣି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଆଣିବା କଥା ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଆମେ ପାଉନୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ବେଆଇନ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଗେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁ, ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ BMCର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ କେବେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କରୋନା ଭାଇରସର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ଚାଲିଛି। ଏହା କିନ୍ତୁ ଡେଲ୍ଟା ଭଳି ପ୍ରାଣଘାତୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଡେଲ୍ଟାଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। ଏହି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଛି। WHOର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଏଡହେନମ୍ ଘେବ୍ରେସିୟସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ମାଇଲ୍ଡ ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ, ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ହାଲକା ଭାବେ ନେବା ଅନୁଚିତ। ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ ଡେଲ୍ଟା ଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ନାହିଁ, ଏହା ପରେ ବି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। And injuries where patients cannot receive timely care. First generation vaccines may not stop all infections and transmission, but they remain highly effective in reducing hospitalization and death from this virus. ରାଜ୍ୟରେ 3453 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ। ସେଥିରୁ 1191 କେନ୍ଦ୍ରରେ 15-18 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଗର 342,332 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟିକା। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ 91% ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ COVID-19 ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି 1191 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 15-18 ବର୍ଷ ପିଲା 77,542 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୋ ଗତକାଲିର ଟିକାକୁ ମିଶାଇ 15-18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ 342,232 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆସାରିଲାଣି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବୁଡଗାମରେ ଥିବା ଚାନ୍ଦୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ରାତି ସାରା ଚାଲିଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ସକାଳୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୈସ୍ ଇ ମହମ୍ମଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ୱାସିମ୍ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀନଗରର ବାସିନ୍ଦା। ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ତିନୋଟି AK-47 ରାଇଫଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ January 2022 ଏଗାର ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲାଣି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଏପରି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏକ ବଡ଼ି ସୋଚି ସମଝି ରଣନୀତି କେ ଅନୁସାର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମେ ଟେରରିଜମ୍ କା ସଫାୟା କର ରହେ। ये जो बदगाम में एनकाउंटर हुआ है ये उसी रणनीति का एक एक्सटेंशन है। पिछले साल हमने जम्मू कश्मीर में 184 टेररिस्ट को ढेर किया, जिसमें से 44 हाई एंड टेररिस्ट थे और 20 फॉरेन टेररिस्ट थे। पहली बार इतिहास में जब से टेररिज्म शुरू हुआ है टोटल टेररिस्ट जो है 200 से कम है और बदगाम एनकाउंटर के बाद में जो लोकल टेररिस्ट हैं वो 80 से भी कम है। इस बदगाम एनकाउंटर में तीन टेररिस्ट को ढेर किया गया जो जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए थे। उसमें से एक जो जिसको आइडेंटिफाई किया गया है वो कश्मीर के श्रीनगर का नागरिक था, अपेरेंटली वो लोकल टेररिस्ट था। ये इस माफी का सक्सेस साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के जो आवाम है वो टेररिज्म से तंग आ चुके हैं और वो पुख्ता एक्शनेबल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स को देते हैं, जिसके तहत कॉटन को ले किया जाता है और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्स को सक्सेस मिल रहा है। ये एक खुशी की बात है। मुझे साफ तौर पे लगता है कि इस साल की सर्दी जब तक खत्म होती है बहुत ही बड़े पैमाने पर जो टेररिज्म है जम्मू कश्मीर में उसको वाइप आउट कर दिया जाएगा। नीट पीजी संरक्षण मामला रे सुप्रीम कोर्ट का बड़ राय, सर्वभारतीय कोटा रे ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस को संरक्षण देवा को निर्देश। नीट पीजी रे ओबीसी बा अन्य अन्य पछुआ वर्ग छात्रों को 27% संरक्षण देवा को निर्देश दैछंती कोर्ट। तुरंत काउंसलिंग आरंभ करबा को निर्देश दिया जाइछे। ईडब्ल्यूएस बा आर्थिक दुर्बल वर्ग रे आसुथबा छात्र छात्रिंक पई 10% संरक्षण रहिबो। चलित वर्षरु नियम लागू करबा को निर्देश दैछंती सुप्रीम कोर्ट। संरक्षण प्रसंग को नै गत 2 मास धरि काउंसलिंग प्रक्रिया बंद रहितला, जहाक नै सारा देश रे मेडिकल छात्र छात्रिंक मध्यरे सृष्टि होइतला तीव्र प्रतिक्रिया। एबे सुप्रीम कोर्ट को राय परे नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया खूब शीघ्र आरंभ हेबो बोली जणा पडुछे। तेबे चलित वर्षर काउंसलिंग पई एहा सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरण आदेश। ए बाबदरे परवर्ती सुनाणी आसंता मार्च मास तृतीय सप्ताह रे कराजबो। सुप्रीम कोर्ट के राय को स्वागत करिछंती फोर्ड बा फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन। मैं डॉक्टर मनीष फोडा प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो मैं अपने सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स आरडीएस का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। साथ ही साथ सारे मीडिया पर्सनल जो नीट पीजी काउंसलिंग की लड़ाई में हमारे साथ हमेशा खड़े रहे उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हम रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हम डे वन से यही कहते आ रहे थे कि हमें मैन पावर, हमारे अस्पताल में मैन पावर की काफी ज्यादा कमी है। श्रीमंदिर ने जगा दर्शन नहीं आसी पारे नुआ गाइडलाइन या सूचना से पहुंची छि जे गुरुत्वपूर्ण बैठक शेष होई छि। जगा दर्शन उपरे कटकणा आसी पारे। श्रीमंदिर किछि कर्मचारी और सेवायत पॉजिटिव चिन्हट होइथिले। आज थारु पुरी शहर रे आरंभ हेबो नाइट कर्फ्यू। राति 9 रु सकाळ 5 टा पर्यंत जारी रहिबो नाइट कर्फ्यू। एने जिला प्रशासन तरफ सूचना दिया जाइछि। आलोक आशुतोष हम पुरी प्रतिनिधि फोनलाइन अछंति अधिक सूचना पई। आलोक, गुरुत्वपूर्ण बैठक चलीला कौन निष्कर्ष सामना को आसी किसी सूचना मिलला नहीं पर्यंत? आलोक, तो गुरुत्वपूर्ण बैठक चली श्रीमंदिर किसी कर्मचारी और सेवायत पॉजिटिव चिन्हट होगापर संध्या 6:30 ए बैठक आरंभ होता बेले किसी समय तेज बैठक आरंभ होता एवं कौन सबू नुआ गाइडलाइन सामना को आसू श्रीमंदिर प्रशासन तरफ ताप नजर रही खासकर जेहेतु सेवायत पॉजिटिव चिन्हट होती तेणु आकलन कराउची जे समय रे परिवर्तन करा पारे दर्शन समय रे एवं संध्या भितरे ही दर्शन सारे किसी निष्पत्ति होता पारे। आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि अच्छा आलोक कौन सब निष्कर्ष होती सूचना मिलला?
ଦେଖନ୍ତୁ ଅପବର୍ଦ୍ଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଜୋରରେ ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ପୁରୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ହୁଁ ହୁଁ ହୋଇ ବଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ରର ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ପରିଚାଳନା କମିଟିର କିଛି ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସୋମବାର ଠାରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ରର ଖବର ଆସୁଛି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଅଫିସିଆଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ସୋମବାର ଠାରୁ ହୁଏତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରହିଛି ପଜିଟିଭ ଭାରତ କେଟ୍ ରଖୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।